अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं। नाज़रीन, जिन पुलिस वालों पर ये जिम्मेदारी होती है कि अवाम की हिफाजत करना, पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी को अंजाम देना और बुराई के खिलाफ लड़ना, वहीं पर कुछ ऐसे पुलिस वाले जो अपना धर्म ईमान सिर्फ रुपया बना चुके हैं, झूठ को सच, सच को झूठ बनाकर लाखों करोड़ों रुपये कमाते हैं, और इनका साथ कुछ बदनाम पॉलिटिशियन, मुखबिर दलाल और कुछ ऐसे सहाफियों के नाम पर धब्बा मुखबरी करने वाले कुछ रिपोर्टर भी शामिल होते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ऐसे पुलिस वाले लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बेमानी का धंधा कर रहे हैं, और पुलिस महकमे को लगातार ऐसे लोगों की वजह से बदनामी हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क से, हमारे शहर से, हमारे स्टेट से पुलिस के नाम से एतमाद आम आदमी का खत्म होते जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है, हमारा खोखला सिस्टम या फिर हम खुद जो ऐसे पुलिस वालों पर भरोसा रखते हैं और कार्रवाई करने से पीछे हटते हैं? बेईमान पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ताकि हमारे माशरे से ऐसे बदनाम, ऐसे बेईमान पुलिस वालों का खात्मा हो और ईमानदार पुलिस ऑफिसर आए और हमारे शहर को, हमारे स्टेट को, हमारे मुल्क को एक साफ सुथरा मुल्क, शहर, स्टेट बनाए और क्राइम को खत्म करने की कोशिश करें। एक ऐसा ही वाकया, मलकाजगिरी ACP नरसिम्हा रेड्डी के मकान पर छापे मारे और सर्च किया। अंबरपेट, उप्पल, वरंगल, हैदराबाद, करीमनगर, नलगुंडा के इलाकों में प्रॉपर्टी दस्तियाब हुई और करीब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी एंटी करप्शन को मिली है और मजीद तहकीकात जारी है। एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी ACP के पास इतनी दौलत है तो अंदाजा लगा सकते हैं आप, और कितने ऐसे पुलिस वाले हैं, ना जाने कितने लोगों को लूटा है, कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं। जरूरी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से ऐसे पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करें, ताकि उनकी हराम की कमाई सामने लाए, गरीबों को लूटी हुई कमाई सामने लाए। उम्मीद है कि एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी ईमानदारी से काम करेगी, और जिस तरह से ये ACP को मंजरेआम पे लाए हैं, ऐसे ही और कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो इस तरह की कमाई लूट रहे हैं, अपने काम को छोड़कर पॉलिटिशियन के गोद में जाके बैठे हैं, मुखबिर और दलालों के इशारों पर आम और गरीब और सीधे आदमी को परेशान कर रहे हैं, और जो अपनी जिंदगी सुधारना चाहता है, माजी में वो जो भी था लेकिन आज के दौर में वो अपनी जिंदगी को अच्छी गुजारना चाहता है, उसको भी परेशान किया जा रहा है। ना जाने कितने ऐसे झूठे केसों में तो उनको फंसाया जा रहा है। अवाम को भी चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ कोर्ट को जाएं और इनके खिलाफ लड़े लड़े, ताकि आम आदमी भी ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई कर सके। देखना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को और मजीद क्या हासिल होता है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुली स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड कार्विंग अ निच फॉर इटसेल्फ, सक्सेस जूनियर कॉलेज प्राउडली इंट्रोड्यूसिंग Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University. A place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.